नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिनके विरोध स्वरूप वह इस बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय अंडर 18 महिला तिरंगदाजों ने पोलैंड में चल रहे विश्व तिरंगदाजी यूथ चैंपियनशिप में शनिवार को इतिहास रच दिया। महिलाओं की कंपाउंड टीम ने तुर्की को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। प्रिया गुर्जर, परनीत कौर और रिदु वर्षणी सेंथिल कुमार की तिकड़ी ने फाइनल में तुर्की को 228 से 216 से हराया। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों की उच्च शिक्षा का सपना यूपी सरकार साकार करेगी। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। वाराणसी में भी यह सर्वे शुरू हो गया है। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, देखरेख, पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था करने के साथ ही अब सरकार 18 से 30 साल के छात्रों के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को भी साकार करेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बरसात में कमी आने के बाद से गंगा के जलस्तर में भी कमी आनी शुरू हो गई है। बनारस में भोर से ही गंगा के जलस्तर में गिरावट हो रही है। हालांकि बाढ़ में कमी आने की वजह से अब पीछे छोड़े गए मलबे और कीचड़ से बीमारियों के सिर उठाने के खतरे भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में शुक्रवार की रात एक वेल्डिंग मिस्त्री की हाथ पैर तोड़कर और सिर कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित व्यापारियों ने शनिवार की सुबह सकलडीहा अमड़ा मार्ग पर शव रख दिया। सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गयी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जनपद में भाजपा विधायक उमेश मलिक का जमकर विरोध किया गया और उनकी कार पर काली फेंक दी गई। इस दौरान भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस पहुंची और जांच में शुरू की। डीजीपी मुकुल गोयल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बस, रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत बाजार व मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से पुलिस कर्मियों को तैनात करने को कहा है। बालू अड्डा में डायरिया नहीं, कालरा फैल रहा है। KGMU की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि विबोरियो कॉलरी बैक्टीरिया ने ही बालू अड्डा में मासूम समेत दो लोगों की जान ली थी। इसके साथ ही अब इलाके में बीमार करीब 150 लोगों के इलाज की दिशा भी बदल गई है। साथ ही इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की तबीयत खराब है। नीरज को तेज बुखार है और उनका गला खराब है। हालांकि राहत की बात यह है कि उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। सूत्रों के अनुसार तबीयत खराब होने के कारण ही नीरज शुक्रवार को हरियाणा सरकार की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा नहीं ले पाए थे। वे इस समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को टाल दिया है। पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसमें चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों में से एक उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, जिसकी पहचान इजहार खान के रूप में हुई है। पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर मुनाजिर ने उसे अमृतसर के हथियार इकट्ठा करने के लिए कहा था। ये हथियार ड्रोन के जरिए गिराए जाने थे। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।